तेज प्रताप को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके आवास पर तेजस्वी पहुंचे, जन्मदिन की बधाई दी और साथ मिलकर केक भी काटा। वहीं आपस में किसी भी विवाद से इनकार किया। वहीं तेजस्वी ने यह भी कहा कि तेज प्रताप मेरे बड़े भाई हैं और अभिभावक समान हैं। मैंने इनसे आशीर्वाद लिया है और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मिलकर लड़ने की बातें भी हुई हैं। हाँ जी, आज दोनों भाई साथ मिले थे, एक विवाद की बात चल रही थी। मतलब आज के दिन भी आप लोग विवाद से ही सवाल शुरू। नहीं, आज तो विवाद खत्म हो गया। ये तो मेरे, मैं कह रहा हूँ विवाद था ही नहीं। विवाद क्यों रहेगा, क्यों रहेगा विवाद? आज जन्मदिन का अवसर है और इस अवसर पर हम अपने बड़े भाई को बधाई और शुभकामनाएं देने आए हैं और साथ ही साथ आशीर्वाद लेने आए हैं। नहीं पकड़िए ना कैमरा। ये जो चुनौती है सामने, हम लोगों को मिलजुल करके सांप्रदायिक शक्तियों और मनुवादियों से लड़ाई लड़ना है। और जिस प्रकार से ये जो चुनाव है, हर एक का भविष्य तय करे, ये कोई एक पार्टी या एक नेता का ही भविष्य तय नहीं करता, ये पूरे देश का भविष्य जो चुनाव वो तय करेगा। ये जो विचारधारा की जो लड़ाई है, इस विचारधारा की लड़ाई में आज हमारे पिता को साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया गया। हमें अपने बीमार पिता से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। अरे भाई नीचे। पूरी तरीके से साजिशों का अंबार लगा दिया गया है। तो इस घड़ी में हम सबों की जिम्मेदारी बनती है, उनको नहीं, चाहे तेजस्वी हो या तेज प्रताप हो, सब लोग मिलजुल करके लालू जी के लिए न्याय की लड़ाई को लड़े और देश को संविधान और आरक्षण बचाने की जो लड़ाई है उसमें हम लोग एकजुट होकर के, जो मनुवादी लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उनको धूल चटाने का काम। भाई को अपने क्या 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 लालू लालू भाई, ये टॉप सीक्रेट है। तेजस्वी ये बताएं, टॉप सीक्रेट चीजें जो नीचे 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 भाई वो बताई नहीं जाती। अरे नीचे करो ना। तेजस्वी ये बताएं, चूंकि लालू जी अभी फिलहाल फिजिकली, लालू जी अभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, क्या आप अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पार्टी का गार्जियन मानते हैं? क्या आप अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लालू जी के एब्सेंस में गार्जियन मानते हैं? हम आपसे दूसरे तरीके से सवाल पूछे, आपके भी बड़े भाई होंगे तो आप जो काम कर रहे हैं कि आप उस विषय में आप अपने बड़े भाई को आप मान सम्मान दोगे या अपने किसी बॉस की बात सुनोगे? शिवहर और जहानाबाद क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके जो मालिक है चैनल के, आप उनकी बात सुनोगे, एडिटर की बात सुनोगे या आप अपने बड़े भाई की बात सुनोगे? नहीं, आप जिस फील्ड में, अगर वो मेरे बड़े भाई पत्रकार होते तो मैं उनकी बात जरूर सुनूंगा। ये 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 गलत विषय है। ये इस तरीके का सवाल, बड़े भाई है तो गार्जियन तो है ही ना मेरे, लेकिन मेरे गार्जियन है, मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ, बोल करके कह सकता हूँ, मेरे मार्गदर्शक भी है, मैं इतना भी कहूंगा, और बड़े भाई की आशीर्वाद की भी जरूरत है। तेजस्वी जी, लेकिन हम आपके बारे में तो ये बात नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, जहानाबाद और शिवहर, जहानाबाद शिवहर पे नहीं दिख रहा भाई मेरे, जहानाबाद शिवहर पे जो शिकायत है, कैंडिडेट है यहाँ पर, हमने बोल दिया है, धैर्य रखिए, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना जो है फैसला, हम किसी को बांध के नहीं रख दिया, लेकिन हमने आग्रह कर दिया है कि रहिए पार्टी को मजबूत। घर आमंत्रित करेंगे तेजस्वी, क्या क्या तेज प्रताप को 10 करोड़ आप जाएंगे?